देश में किस तरह का आंकड़ा है, लेकिन सबसे पहले बीते 24 घंटे के बारे में एक बार फिर से आपको आंकड़ा दिखा देते हैं। ये देखिए भारत में इस वक्त की स्थिति क्या है। कुल केस 12,881 बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। 7,390 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 334 लोगों की जान चली गई है। ये अपने आप में एक खतरनाक स्थिति और देश का आंकड़ा, अब तक का कोरोना काल का पूरा आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है। 3,66,946 कुल केस हैं, 1,94,325 ठीक हुए हैं, 12,237 लोगों की मौत हुई है अब तक कोरोना की वजह से। ये भारत का अब तक का पूरा आंकड़ा हमने आपको दिखाया। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं राज्यों का हाल क्या है। राजधानी दिल्ली, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, 47,102 संक्रमित राजधानी दिल्ली में, ये पूरा का पूरा आंकड़ा। 17,887 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में देखिए 1,16,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 59,122 ठीक हुए हैं, 5,651 की मौत हुई है। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा आंकड़ा अगर कहीं से सामने आया है तो वो एक राज्य महाराष्ट्र है। तमिलनाडु उसके बाद 50,153 संक्रमित, 27,642 यहाँ पर ठीक हुए हैं। यूपी 14,598 संक्रमित, 8,904 ठीक हुए हैं, 435 लोगों की उत्तर प्रदेश में जान चली गई है।